हेलो सर, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सरवन सिंह इन्वेंटर, जो मैकेनिकल इन्वेंटर के नाम से हैं, जो आप यूट्यूब के चैनल पर देखेंगे तो सरवन सिंह मैकेनिकल इन्वेंटर साइंटिस्ट के नाम से आपको ये चैनल मिलेगा। आज 20 जून है और सुबह लगभग 8 बजे हैं और ये एक वीडियो जारी किया जा रहा है। ज़रा इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि आपको, देखिए, बताया जाता है कि हरी प्रकृति में पेड़ पौधा कब हरे भरे रहेंगे? जब पानी होगा। हम हरे भरे कब रहेंगे? जब पानी होगा। लेकिन पानी हमारे जीवन में ना रहे तो हम, जैसे पेड़ सूख जाता है, उसी तरीक़ा से हम भी सूख जाएंगे। तो आइए, आज एक बहुत बड़ी समस्या का पूरे विश्व में जो समाधान किया गया है उसको आप देखिए, समझिए, जानिए। देखिए, हर घर में रोज़ाना यूज़ होने वाला पानी, कम से भी कम हमें 1000 लीटर 800 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन हम इसके ऊपर आधारित कहाँ पर रहते हैं कि सबमर्सिबल चलेंगे, पानी जो है सप्लाई का आएगा या बिजली आएगी, जब सारे साधन संसाधन होंगे तो तभी हमारा पानी टंकी में जाएगा। और रोज़ाना फिक्स टाइम से हमें लेटरिन बाथरूम, नहाने धोने, कपड़ा धोने, पशु के लिए ये वो बहुत सारे बर्ताव में हमें पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक गांव है, इस गांव में आप एक प्रकृति को देख रहे हैं। ये मेरा अपना निजी रेजिडेंस है और देखिए, नए नए आविष्कार तो इस चैनल पर बहुत सारे हो चुके हैं, उन सभी को आपके सामने आ रहे हैं। तो अब एक नया ईजाद, पानी की जल आपूर्ति के नाम से ये सिस्टम होगा। देखिए, यहाँ पर ज़मीन में नीचे कड़वा पानी है, कड़वा पानी जो है किसी यूज़ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन ऊपर पानी उससे कुछ स्तर पर मीठा पानी है। लेकिन कड़वे पानी का जो यूज़ है वो कहीं पर भी नहीं आ पा रहा, लेकिन जब मीठा पानी ऊपर से नीचे जाकर के उसमें मिलता है, अपने भाई खारे पानी से जैसे मित्रता करता है, मिलता है, तो हमारे यूज़ में नहीं होता। तो अब हमने अपने उस मीठे पानी को, यानी कि मीठे भाई को, हमने अपने काम के लिए यू टर्न कर लिया है कि आप नीचे ना जाइए और हमारे पास रहिए, हमारे रोज़ाना का काम करिए। तो देखिए, आपको ये सिस्टम दिख रहा है, पानी कितना उबलता हुआ दिख रहा है ना आपको। ये एक बहुत ही ऊपर, यानी कि 35-40 फुट पे बहुत कड़वा जहर पानी, जिसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम ऊपर के पानी में ना हेडपम्प लगा सकते हैं और ना ही हम सबमर्सिबल लगा सकते हैं, किसी भी तरीक़ा से वो लिया नहीं जा सकता। लेकिन बीच का एक रास्ता निकाला है। सपोज करो कि बिजली की लाइट नहीं आ रही है, लाइन नहीं आ रही है, तो आप अपना पानी लिफ्ट नहीं कर सकते। बिजली आ रही है और फिर वाटर सप्लाई नहीं आ रही, तो आप लिफ्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक की स्थिति हो जाती है कि आपके लेटरिन बाथरूम में पानी नहीं रहता, इससे बड़ा दुख आखिरकार क्या होगा। और 15-10 साल से सप्लाइयाँ भी चल रही हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं, और नहीं हमें कहीं पर ये दिख पा रहा है कि पानी की आपूर्ति हो पा रही है। बहुत सारे लोग तो आज तक भी उनके सर से मटके नहीं उतर पाए हैं। लेकिन इस सभी समस्या को देखते हुए पूरे विश्व के लिए जल आपूर्ति नियम, जल आपूर्ति सिस्टम से ये हमने आपको एक सिस्टम बनाया है। ये आपको दिख रहा है, पानी चल रहा है, हर 5 सेकंड के बाद पानी आ रहा है। ये ग्राउंड वाटर से कलेक्ट किया गया है, एक मोटर का नया आविष्कार ईजाद हुआ है, आप देख रहे हैं। और ये पानी बहुत स्वीट, मीठा और बहुत ठंडा है। और जो है ये हर 5 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक चलता है, ऑटोमेटिक बंद होता है। इसकी एवरेज हम 1 लीटर प्रति मिनट से लेकर के 1 मिनट में 4 लीटर तक निकालते हैं, यानी कि 60 लीटर से लेकर के 250 लीटर तक प्रति घंटे के हिसाब से हम आउट पानी कर लेंगे। और ये चल ही रहा है, और आप ये देख रहे हैं वीडियो में कि ये हर 5 सेकंड रुकता है, फिर चलता है ऑटोमेटिक। इसमें कोई भी बड़ी बिजली की जरूरत नहीं, अगर बिजली नहीं आई कोई बात नहीं, और सप्लाई भी नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन फुल फिल पानी 24 घंटे जो हमें चाहिए वो हमें मिलता है। 80% पानी हमारे रोज़ के कामों में आता है और 20% पानी पीने के लिए आता है। आर ओ सिस्टम से पीने का पानी कर लेते हैं, लेकिन रोज़ाना उपयोग में आने वाला पानी तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और आप ये समझिए, इस सिस्टम से बिल्कुल जीरो कर दिया है। आपके घर के आंगन में ही गेट बंद करिए और वहीं पर एक छोटे से ड्रिल से, बोर से जाते हैं हम, और हम एक नया ईजाद उसमें फिट करते हैं। आपको कभी भी पानी के लिए कहीं बाहर भागना नहीं पड़ेगा। ये जो पानी देख रहे हैं आप, कितनी देर से देख रहे हैं, बार बार चलता है, बार बार ऑफ होता है, तो इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस लगी हुई है। और ये मोटर का एक नया ईजाद है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, इस पर कोई बहुत बड़ी बिजली की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी जनरेटर की ज़रूरत है, मात्र बैटरी के एक डीसी पंप से ये पानी आ रहा है। कहा ना कि सिमट सिमट जल भरें तालाबा, बूंद बूंद से तालाब भर जाते हैं। हमारी आवश्यकता, अगर 2000 लीटर पानी हमें रोज़ाना हमारे धरती माता के गर्भ से मिल जाता है, हमारे आंगन से, तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। और ये एक बहुत बड़ा ईजाद है, आप इसको देखें और इसको हल्के में ना लेके चलें, क्योंकि विश्व में पानी की दिक्कत बहुत बड़ी है। और ये आज बहुत बड़ा आविष्कार पूरी दुनिया के लिए कर चुके हैं सरवन सिंह इन्वेंटर साइंटिस्ट, और आप सभी को इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको एक दूसरे भाइयों में आप अपनी फेसबुक पर डाल सकते हैं, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पर भेज सकते हैं, ताकि इस
एक अनोखे ईजाद का आप सभी लोगों को पता लगे। आप सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार। आप मेरे ही, मैं आपका हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मेरे सिर पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत।